दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप गूगल पे एप्लीकेशन दोस्तों किसी को भी यूपीआई आईडी के अंदर पैसा ट्रांसफर कैसे कर पाओगे। अगर दोस्तों आपको पता नहीं कि यूपीआई आईडी के अंदर पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाता है गूगल पे एप्लीकेशन थ्रू, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दोस्तों आप बहुत आसान तरीके से यूपीआई आईडी के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले तो दोस्तों अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको कमेंट कर देना। ठीक है, अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए अभी वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, आप जैसे दोस्तों फर्स्ट टाइम गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, आपको पता ही होगा। और यहां पे दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों स्कैन यानी क्यूआर कोड, पे कॉन्टैक्ट, पे फोन नंबर, बैंक ट्रांसफर, पे यूपीआई आईडी और दोस्तों नंबर, सेल्फ ट्रांसफर, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज। तो फिलहाल दोस्तों हम यूपीआई आईडी के अंदर हम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसीलिए आपको पांचवें नंबर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पांचवें नंबर पे यूपीआई आईडी और दोस्तों नंबर इसी वाली ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो चले दोस्तों मैं पे यूपीआई आईडी और नंबर पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपको यूपीआई आईडी और दोस्तों नंबर आपको दोस्तों यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं यूपीआई आईडी मैं डाल देता हूँ। और ये लो दोस्तों मैंने यू पी आई आईडी डाला। ठीक है, डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पे और दोस्तों रिक्वेस्ट। तो फिलहाल दोस्तों हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं इसीलिए दोस्तों आपको पे पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले मैं पे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आप कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते, आप पैसा भेज रहे हो ना, कितना पैसा आप भेजना चाहते हैं दोस्तों उतना पैसा आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि दोस्तों आप जितना भी आप भेजना चाहते हो दोस्तों उतना आपको टाइप कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं 1 रुपीज सेंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऐड नोट पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं हेलो लिखूंगा, ये ऑप्शन वाले दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लिख सकते हो, नहीं तो दोस्तों वैसा इसकी भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट डालने के दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन मिलेगा टिक मार्क। ठीक है, टिक मार्क पे आपको लगा देना। लगाने के बाद दोस्तों अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों 3-4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, मान लो कि दोस्तों आपने 3-4 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, तो दोस्तों आप बैंक अकाउंट को आप सिलेक्ट कैसे कर पाओगे कि आप कौन सा बैंक अकाउंट से आप पैसा कटवाना चाहते हैं। देखिए मैं तो 2 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों राइट साइड में छोटा सा तीर का निशान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने 2 बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर दोस्तों और भी आप बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐड बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक करके दोस्तों आपका जो भी बैंक है आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक है तो दोस्तों उसी वाले बैंक अकाउंट को आपको ऐड कर लेना। ठीक है, उसके बाद यूपीआई पिन आपको सेटअप कर लेना। तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस वाले बैंक अकाउंट से मैं पैसा कटवाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसी वाले बैंक अकाउंट को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, अगर आपका 2 बैंक अकाउंट तो दोस्तों इस तरह आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों पे पे में क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों इंटर 6 डिजिट यूपीआई पिन, आपने जो दोस्तों गूगल पे या फोन पे एप्लीकेशन क्रिएट करते समय दोस्तों आपको दोस्तों 6 डिजिट का यूपीआई पिन मांगता है, वो 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर करेंगे ना उसी समय दोस्तों आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और ये दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाला। ठीक है, अभी दोस्तों मैं टिक मार्क में लगाऊंगा और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो दोस्तों मेरा को मतलब इसी वाली यूपीआई के अंदर पैसा चला गया। ठीक है, अभी चलते दोस्तों ये जो पैसा मेरा अकाउंट के अंदर चला आया कि नहीं ये भी दोस्तों मैं आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों मेरा ही यूपीआई के अंदर मैंने पैसा ट्रांसफर किया है, नहीं कि दोस्तों खुद का यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर करोगे, ऐसा नहीं, आप किसी का भी यूपीआई के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो चले मैं डॉन पे मैं क्लिक करूंगा। अगर दोस्तों इसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके दोस्तों 100 ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे आप क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 8:28 AM ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते दोस्तों मैंने फोन पे एप्लीकेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो फोन पे एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा और उसके बाद दोस्तों मैंने लॉक लगा कर रखा है, डाल देता हूँ। डालने के दोस्तों मैं बैलेंस एंड हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरे को तुरंत ही 1 रुपीज क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ टाइम भी देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरह किसी का भी आप यू पी आई डी के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपका पसंद है, कुछ भी आपको जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और अभी दोस्तों इस तरह आपका इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।